Hi everyone, welcome to Study IS. Good afternoon to all of you guys. Good afternoon to everyone. I hope now I am audible and visible to you perfectly. बताइए जल्दी से कि ऑडिबल विजिबल सबको अच्छे से कनेक्ट हो रहा है क्या. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं अंकिता जिंदल और आज की क्लास हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है, अनअकैडमी यूपीएससी टॉपर यूपीएससी रिजल्ट 2020 में हमें काफी सारे रैंकर्स मिले हैं. नेक्स्ट ईयर यू विल बी हियर गाइज. आई एम वेरी गुड. अभी कन्फर्म है सब ठीक है. एक बिग अनाउंसमेंट है गाइस कि जो एनुअल प्राइस है वो यहाँ पे हाइक होने वाले हैं. जो फर्स्ट प्राइस हाइक होंगे वो 9 दिसंबर को हो जाएंगे और यहाँ पे आपको फ्री 3 मंथ एक्सटेंशन मिल रहा है. जैसे ही आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो यू हैव टू यूज अवर कोड दैट इज अ स्टडी आईस टू गेट द एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट लेने के लिए आपको इस कोड का इस्तेमाल यहाँ पे करना रहेगा. इसके साथ ऑप्शनल का कार्निवल है जो कि 8 दिसंबर को होगा. ये सारे सब्जेक्ट आपके कवर किया जाएंगे जैसे PSIR है, सोशियोलॉजी है एंड ज्योग्राफी मैथ्स फिलोसफी एंड द हिस्ट्री सब्जेक्ट आपके यहाँ पे कवर होंगे. 8 दिसंबर यानी कि वेनसडे से कुछ नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. आप इनकी थोड़ी सी न्यूज अपने सामने रख लेना लाइक ऑफ 22 और 23 वाले एस्पिरेंट्स के लिए स्टार्ट हो रहे हैं. हाय विशाल, एक बार टेलीग्राम में शेयर करो दैट वी आर लाइव. इसके साथ आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलती है गाइज. एनरोल नाउ. यहाँ पे एवरी संडे मिल रही है मॉर्निंग 11 AM, मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM और मंडे टू फ्राइडे 10 AM भी आपको एक टेस्ट सीरीज मिल रही है. इस बार का 5 दिसंबर यानी कि कल सुबह 11 बजे जो कॉम्बेट होने वाला है वहाँ पे स्कॉलरशिप पूल 4 करोड़+ है. हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा. यूजिंग स्टडी आइस यू हैव टू एनरोल इन इट. आपको एनरोल यहाँ पे करना रहेगा. अंकित, संतोष, सौरभ, फ्यूचर, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून. ठीक है, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अच्छा सा आप मतलब यहाँ पे लोन भी ले सकते हो 0% रेट. कोई अप्रूवल आपको वो जल्दी मिल जाएगा. पेपर वर्क भी बहुत कम रहेगा. तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ सेशन. और सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है अबाउट द ओमिक्रोन. अब आप लोगों को पता है एक्चुअली ये वाली जो न्यूज़ है वो डोज के बारे में है. ठीक है, करीबन 2 से 3 साल लग गए हैं जब चिल्ड्रन को डोज लगाने की बात की जा रही है. यहाँ पे गवर्नमेंट अभी वेट कर रही है एक्सपर्ट व्यू के लिए कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, क्या उनको डोज लगनी चाहिए, क्या उनको लगा दें इस समय. वो सिचुएशन पे एक्सपर्ट का व्यू जानने के लिए गवर्नमेंट जो है वो वेट कर रही है. ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जो डिसीजन है वो पॉलिटिक्स नहीं होगी उसके अंदर. ठीक है, यहाँ पे कोई अपोजिशन और कोई वो चीज़ यहाँ पे वर्क नहीं करेगा. इवन यहाँ पे बच्चों की सुरक्षा के लिए और उनके लिए जो है वो डोज की बात की जाएगी. एनी डिसीजन ऑन द कोविड वैक्सीन बूस्टर डोज और वैक्सीन फॉर द चिल्ड्रन वुड बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन मेड बाय द एक्सपर्ट कमेटी. स्पेशली इसके लिए कमेटी बनाई गई है जो उस पर अपनी रिकमेंडेशन देगी कि लाइक हम लोग बच्चों को अभी कोविड का टीकाकरण कर सकते हैं कि नहीं. तो उनकी रिकमेंडेशन पे ऐसा होगा. ठीक है, ये वाली चीज जो है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने यहाँ पे बोली है. उन्होंने कहा है कि लोकसभा में 11 आवर डिस्कशन के बाद ये सारे डिसीजन लिए गए हैं. 3.46 करोड़ केसेस सो फार, अपलोडिंग द वर्क डन बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी और मेडिकल स्टाफ के बाद उन्होंने बोला इतना काम करने के बाद बच्चों के अभी डोज की बात यहाँ पे की जा रही है. गवर्नमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पैंडेमिक स्टार्टेड वर्किंग ऑन स्ट्रेंथनिंग द वीक एंड द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि जो गवर्नमेंट है शुरुआत के अंदर पेंडेमिक आने से जो अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने में लगी हुई थी. क्योंकि आपको पता है जब फर्स्ट जो लहर आई थी उस समय पे ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी हो गई थी. दूसरी वाली टाइम पे जो है ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो गई थी. फर्स्ट में कितने ज़्यादा डेथ की केसेस हो गए थे और आपको जो है वैक्सीन वगैरह भी उस टाइम पे कुछ नहीं थी. इसीलिए तब हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करने की कोशिश में थे. लेकिन अब जब सब कुछ कंट्रोल में है तो अब यहाँ पे बच्चों को वैक्सीन लगाने की बात की जा रही है. गॉट माई पॉइंट. इतनी ही तकरीबन चीज़ें जो है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं. ओके, नहीं अभी ये क्लास अभी हो जाएगी कंटिन्यू. ठीक है, इसकी आप टेंशन ना लीजिए. और मे बी आज क्वेश्चन की क्लास भी जो है वो रहेगी, इवनिंग में रहेगी. खैर वो तो क्वेश्चंस की क्लास भी हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन भी ले लेंगे. फाइन, और जो
और 2 दिसंबर का आपका करंट अफेयर छूटा है, वो भी आपका कवर हो जाएगा, उसकी भी टेंशन आप लोग मत लीजिए। अब आप लोगों ने रीसेंट न्यूज़ तो ले ही ली होगी कि कर्नाटक के अंदर 2 पेशेंट मिले हैं जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं, यानी कि ओमिक्रॉन टेस्टेड उनका जो है वो हुआ है, ओमिक्रॉन उनको मिला है। लेकिन एक बात यह है कि उनकी पिछले काफ़ी दिनों से कोई इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं थी, कोई इंटरनेशनल वो पैसेंजर नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों ओमिक्रॉन पॉजिटिव हो गए हैं और उनके कांटेक्ट में आने वाले बंदे भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का ये कहना है कि जिनको भी जो कांटेक्ट में बंदे आए हैं उनको माइल्ड फीवर है और वो कंट्रोल जो है वो कर लिया जाएगा। फाइन, 46 ईयर ओल्ड एनेथीस्ट फ्रॉम ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन्फेक्टेड विद द ओमिक्रॉन वेरियंट एंड हिज 5 कॉन्टेक्ट आर लेजरली एसिम्टोमेटिक, यानी कि जो कॉन्टेक्ट में आए बंदे हैं उनको माइल्ड फीवर है, नॉर्मल है, लेकिन जो ओमिक्रॉन पेशेंट है वो थोड़ी सी कंडीशन उनकी हार्श है। फॉलोइंग द रिकमेंडेशन गिवन बाय द स्टेट कोविड-19 टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, एक 60-बेड डेडिकेटेड ओमिक्रॉन ट्रीटमेंट फैसिलिटी वहाँ पे जो है वो बना दी गई है, क्योंकि उस स्टेट के अंदर अभी पहले 2 पेशेंट मिले हैं, तो अभी से पहले अगर चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी सो इट विल बी बेनिफिशियल। द डॉक्टर कॉन्टैक्ट इंक्लूड हिज वाइफ हु इज ऑल्सो अ डॉक्टर, तो उनके कॉन्टैक्ट में आने से ऐसा हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ क्या बोल रही है, यहाँ पे एक और चीज क्या है, नो क्लस्टर सो फार, नो क्लस्टर सो फार, ऑल्दो देर आर रिपोर्ट दैट अ न्यू वेरिएंट इज हाईली ट्रांसमिसिबल। अब आपको पता है हमने कई दिनों से कर रहे हैं कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल है ना, यानी कि एक बंदे के कनेक्शन में आने से बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड करता है, जो इससे पहला डेल्टा था उससे भी कई ज्यादा आगे है। इसीलिए वी हैव नॉट सीन एनी स्प्रेड और द क्लस्टर रिपोर्टेड इन द हॉस्पिटल, यहाँ पे क्लस्टर की बात नहीं बोली जा रही, बोल रहे हैं कि ओमिक्रॉन के कॉन्टेक्ट में आने से बहुत ज्यादा गुच्छा नहीं बना है, क्लस्टर्स नहीं हुए हैं। डिस्पाइट द हाई वेरी लो डॉक्टर सिम्टम वेरी माइल्ड ही आइसोलेटेड है, तो यहाँ पे जो सुरक्षा है वो यहाँ पे ले ली गई है। क्लियर है, 2 न्यूज हमने अभी कवर कर ली है भाई, एवरी वन बताओ जल्दी। नेक्स्ट आती है गवर्नमेंट 62,000 करोड़ टू क्लियर द एयर इंडिया डेट, यहाँ पे गवर्नमेंट ने एयर इंडिया की जो डेट है, जो देनदारी है, उसको कवर करने के लिए 62,000 करोड़ की डिमांड की है। फंड विल गो इनटू कंपनी होल्डिंग कैरियर्स लाइबिलिटीज, यहाँ पे जो ये 62,000 करोड़ का जो फंड रहेगा वो कंपनी की लाइबिलिटीज में जाएगा, यानी कि उसकी डेट को पे करने के लिए यहाँ पे देखा जाएगा। इसके साथ टैक्स पेयर विल बी पेइंग अ टोटल ऑफ 62 डेट एंड अदर लाइबिलिटीज ऑफ एयर इंडिया अकॉर्डिंग टू द सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट टेबल ऑन द पार्लियामेंट। गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट की हामी मांगी है, पार्लियामेंट की नोड का मतलब होता है उनकी परमिशन, ठीक है, टू इन्फ्यूज ओवर 62,000 करोड़ टू इट्स कंपनी दैट होल्ड एयर इंडिया डेट लाइबिलिटी, और जो भी नॉन कोर एसेट होंगी उनको पे आउट करने के लिए इतने पैसे की डिमांड जो है वो उन्होंने की है। फाइन, अमाउंट के अंदर इनकी इंटरेस्ट लाइबिलिटी, कैपिटल, एयरक्राफ्ट का लोन, एवरीथिंग यहाँ पे शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज अपने सामने आती है एनवायरमेंट से, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, लॉन्गेस्ट माइग्रेशन। अब आपको पता है सर्दियों के समय पे जो काफी सारे पक्षी होते हैं जो माइग्रेट करते हैं रशिया से लेके, काफी सारे पक्षी जो है वो साउथ अफ्रीका की तरफ आते हैं, ठीक है, और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि विच इज द बर्ड, नेम द बर्ड आपको बताना है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट माइग्रेट करता है, ठीक है, बिल्कुल वहां से लेके यहाँ तक। लास्ट ईयर एक डक भी आई थी जो बहुत सुंदर डक थी, वो भी माइग्रेट करके यहाँ पे आई थी। साइबेरियन जितने भी पक्षी रहते हैं वो रशिया से लेके साउथ अफ्रीका में आते हैं, द रीजन कि रशिया के अंदर जो इस समय पे विंटर होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो पक्षी होते हैं वो थोड़ा सा इक्वेटर की तरफ आते हैं, और इंडिया में जब वो स्टे करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा वो चाय नाश्ता ले लेते हैं, ठीक है, तो इंडिया में काफी सारे ऐसे पॉइंट है जहां पे वो रुकते हैं। हाय ज्योति, गुड आफ्टरनून। मैंडेरिन डक, हाँ मैंडेरिन। चलो कम टू द न्यूज, लॉन्गेस्ट माइग्रेशन रूट ऑफ द लेसर फ्लोरिकन फ्रॉम द राजस्थान ट्रैक, राजस्थान में जो फ्लोरिकन बर्ड्स आते हैं काफी ज्यादा आते हैं, काफी तादाद में यहाँ पे आते हैं। अच्छा, एक हिमाचल में ना, हिमाचल में एक रामसर साइट है
जो स्पेशली स्पेशली जो मतलब ज्यादा पॉपुलर है फॉर द माइग्रेटेड बर्ड्स के लिए, ठीक है, माइग्रेटेड बर्ड्स के लिए, और वो काफी इंपॉर्टेंट बर्ड्स, काफी बड़े मतलब काफी बर्ड्स वहां पे आते हैं। उस रामसर साइट का नाम मुझे बता दो। हिमाचल के नॉर्थ इंडिया में है, इतना भी और मैं आपको आइडिया जो है यहाँ दे दे रही हूँ। इन अ मेजर डिस्कवरी, जो लॉन्गेस्ट इन कंट्री माइग्रेशन रूट है लेसर फ्लोरिकन का, एंडेंजर्ड बर्ड है ये भी, रिमेंबर यहाँ पे जो इसका स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। ऑफ द बस्टर्ड ग्रुप, जो बस्टर्ड वाला ग्रुप है ना, उसी का ही एक हिस्सा है। यहाँ पे ट्रैक किया गया पहली बार राजस्थान में, देन टू महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे इसने ट्रेवल किया है। द मिस्ट्री ऑफ द फास्ट डिसअपीयरिंग बर्ड मे सून बी रिजॉल्व। अब यहाँ पे क्या है, इसकी मिस्ट्री ये है कि बहुत जल्दी ये डिसअपियर हो जाता है, बहुत जल्दी ये माइग्रेट जो है वो एक जगह से कर लेता है। यहाँ पे इसकी मिस्ट्री को सॉल्व किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट ट्रांसमीटर फिटेड ऑन द, अब ये जो फ्लोरिकन है उसके ऊपर सैटेलाइट ट्रांसमीटर लगा दिया जाएगा ताकि पता चल जाए, ठीक है, GPS लगा दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ ये घूम रही है, वो चीज़ है। गुड आफ्टरनून कुलदीप, गुड आफ्टरनून शिवान्या। इसके साथ द टेलीमेट्री जो एक्सरसाइज है वॉज अंडरटेकन इन द शोकलिया लैंडस्केप ऑफ द अजमेर डिस्ट्रिक्ट। इन सब इनिशियल फेलियर्स के तहत साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया गया है, वो कामयाब हुआ है। यहाँ पे बर्ड की लोकेशन का पता चलता जाएगा और ये पता चला है कि जो एक बर्ड है वो 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है आफ्टर ब्रीडिंग ड्यूरिंग द मॉनसून। मॉनसून के टाइम पे बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं वो ब्रीड करते हैं और उसके बाद वो माइग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे पक्षी कवर कर रहे हैं। फाइन, लेसर फ्लोरिकन की बात करें तो टेक्सोनॉमिकली क्लासिफाइड है ये। इसका पूरा नाम क्या है देखो यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, SYPHEOTIDES, ठीक है, साइफोटाइड्स इंडिकस के नाम से आप इसको थोड़ा सा याद कर सकते हो, इसका साइंटिफिक नेम है, वो आपको सर्च करना है भाई, अभी नहीं बताना। आफ्टर द क्लास व्हेन द कमेंट सेक्शन विल ओपन देन यू हैव टू आंसर। ये जो लेसर फ्लोरिकन है वो एक स्मॉल स्लेंडर बर्ड स्पीसीज है जो कि बस्टर्ड ग्रुप को बिलोंग करती है, और इसकी आप और चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी। बर्ड का जो स्टेटस है IUCN में, दैट इज़ अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये आपको नॉर्मली टॉल ग्रासलैंड में मिलती है। अब देखो इस वाली लाइन से आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो कि जो लंबी लंबी घास होती है वहाँ पर आपको बस्टर्ड मिल जाती है ना, या लेसर फ्लोरिकन मिल जाते हैं। इसका मतलब लेसर फ्लोरिकन ऐसी जगह पे मिलेगी जहाँ पे समर ज़्यादा होती हो, विंटर कम होती हो, यहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा हो, उस तरह की जगह पे आपको जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि इसके लॉन्ग लेग्स होने की वजह से वो वहाँ पे सूटेबल रहती है। राइट, एंडेंजर्ड बर्ड इज इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। देखा, वेस्टर्न स्टेट में आपको ये ज़्यादातर देखने को मिल रही है। आई होप इसके बारे में तकरीबन चीज़ें अब आपको कवर हो गई होगी। फाइन, तो थोड़ा सा और देखते हैं। ये है वो फ्लोरिकन, लेसर फ्लोरिकन। फाइन, इसका साइंटिफिक नाम यहाँ पे आपको मिल जाएगा, स्मॉल स्लेंडर बर्ड स्पीसीज है जो बस्टर्ड ग्रुप को आती है, टोल ग्रासलैंड में मिलती है। देहरादून बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसके बारे में बताया है। एंडेंजर्ड बर्ड जो कि मेनली राजस्थान, MP, गुजरात जैसे स्टेट में आप लोगों को मिल जाएगी। IUCN ने फिलहाल इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड का स्टेटस दिया और बोला है कि जिसकी पॉपुलेशन है वो फिलहाल डिक्रीज कर रही है, सो वी हैव टू टेक अटमोस्ट केयर ऑफ इट। हमें इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, हाँ जी, वो वाले जो माइग्रेटरी बर्ड्स थे काफ़ी ज़्यादा डेथ उनकी हो गई थी इसी वजह से न्यूज़ में थे, जो कि आपके नॉर्दर्न इंडिया में थे। फाइन, चलो नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास आती है। अफगान ट्रक कैन कैरी इंडिया एंड वाया द एड वाया पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया है कि जो अफगानिस्तान को आप लोग हेल्प करना चाहते हो, इंडिया को बोल रहे हैं, वाया द पाकिस्तान, पाकिस्तान के थ्रू होके जो भी ट्रक्स हमारे अफगानिस्तान में जा रहे हैं तो उनके लिए अलाउंस यहाँ पे मिल गई है। फाइन, एज इंडिया स्टेप्ड अप एफर्ट टू सेंड ह्यूमैनिटेरियन एड, मानवता जो एक हेल्प है, मदद है, अफगानिस्तान में हम भेज रहे हैं बिना किसी शर्तों के, तो पाकिस्तान ने उस चीज़ को अलाउ कर दिया है दैट कि भाई हम तो नहीं कुछ कर पा रहे, तुम ही कर लो, ठीक है, हम तुम भेज सकते हो।
अनाउंसमेंट की गई है यूरोपियन यूनियन की स्पेशल एनवाय में, जब अफगानिस्तान तो के मतलब मीटिंग हुई थी तब इस वाली चीज़ को बोला गया था। ईयू प्लान टू रीओपन ए मिनिमल प्रेजेंस इन अफगानिस्तान। यहाँ पे ईयू ने बोला है कि अफगानिस्तान में आप बहुत ही मिनिमल प्रेजेंस रखिए, सेंडिंग ए स्मॉल नंबर ऑफ ईयू इंटरनेशनल ऑफिशियल और सिक्योरिटी पर्सनल को आप लोग वहाँ पे भेज सकते हो, ठीक है। मिस्टर निकल्सन ने एम्फेसाइज किया है कि आप जो अफगानिस्तान का मिशन है उसे रीओपन करिए, रिकॉग्नाइज करिए डी फैक्टो रिजाइम का ऑफ द तालिबान विद द साउद 500 रखा विद सऊदी अरेबिया सेंडिंग बैक ऑन अ टीम ऑफ 14 कंसुलर ऑफिशियल्स टू काबुल दिस वीक। सऊदी अरेबिया ने भी कुछ अपने ऑफिशियल्स को वहाँ पे भेजा है। 10 जो कंट्रीज है वो ऑपरेट कर रही है अपनी एम्बेसी अफगानिस्तान में, कौन कौन सी है जैसे रशिया, ईरान, चाइना, पाकिस्तान, टर्की, कतर, यूएई, केएसए, आई थिंक कजाकिस्तान होगा ये, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ऐसी कंट्रियां हैं जो कि अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी को लोकेट अभी यहाँ पे कर रही है। बट इंडिया येट टू डिसाइड, इंडिया को अभी इस चीज़ के रिगार्डिंग डिसाइड करना बाकी है। क्लियर है चीज़ें? एक ये थोड़ा याद रख लेना बिना किसी कंडीशनलिटीज़ के, भाई तुम भी हमारी कभी मदद करोगे ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके बिना ही यहाँ पे हेल्प करने की बात की गई है। अनाउंसमेंट ईयू के हेल्प से आई है, डायरेक्टली पाकिस्तान इतना भला नहीं है हेल्प कर दे करने के लिए एग्री करेगा, है ना, तो उस वाली चीज़ में है। ईयू मार्क्स द फर्स्ट वेस्टर्न एंटिटी टू रीओपन इट्स मिशन प्रेमाइसिस इन द काबुल। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने पहली वेस्टर्न एंटिटी को रीओपन करने की बात की गई है काबुल में, गिवन दैट यूएस हैज डेप्यूटेड द कतरी एम्बेसी देयर टू मैनेज इट्स इंटरेस्ट। यहाँ पे ईयू ने ये भी चीज़ बोली है कि जो कतर की जो एम्बेसी है उनको भी मतलब प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा ताकि वहाँ पर सुरक्षा की जाए, राइट right? बाकी ये चीजें हैं। नेक्स्ट आता है भाई प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल, सीनियर कांग्रेस लीडर शशि जो थरूर जी हैं उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में डाला है, सीकिंग टू एस्टैब्लिश परमानेंट बेंचेस ऑफ द हाई कोर्ट इन द स्टेट कैपिटल्स। स्टेट की जो कैपिटल्स है वहाँ पे परमानेंट हाई कोर्ट के बेंचेस जो है वो हो, यानी कि वहाँ पे भी हाई कोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल हो। प्राइवेट मेंबर आपका लोकसभा राज्यसभा में कहीं में भी हो सकते हैं, यानी कि वो मेंबर जो अभी तक मिनिस्टर नहीं बने हैं, ठीक है, जो अभी तक मिनिस्टर नहीं बने हैं। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ क्या एक मेंबर मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है, क्या कोई भी बंदा, इंडिविजुअल कोई भी बंदा मिनिस्टर बन सकता है विदाउट बिकमिंग अ मेंबर ऑफ दैट मतलब हाउस के बने, बन सकता है कि नहीं, प्लीज बताओ। और अगर यस तो वो कितने टाइम तक के लिए वैलिडिटी उसकी रहेगी। फाइन, चलो, इस जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो यहाँ पे बोला गया है कि केरला में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गोवा, उत्तराखंड, नागालैंड, ये सारे जो स्टेट हैं, ठीक है, यहाँ पे इनकी कैपिटल सिटी में स्टेट हाई कोर्ट होना चाहिए, यानी कि एक छोटा सा हाई कोर्ट उधर भी बना दो ताकि रहे कि भाई वो कैपिटल है, फाइन, उसमें होना चाहिए। लोकसभा में लिया गया है 2 साल के गैप के बाद, वहाँ पर ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द परमानेंट बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट इन स्टेट कैपिटल, ये पेंडिंग था 2019 से पेंडिंग था, अब इसको 2 साल के गैप के बाद दोबारा से लॉन्च यहाँ पे मतलब इंट्रोड्यूस जो है वो यहाँ पे कर दिया गया है। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक और चीज़, 153 प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं लोकसभा में फ्राइडे को, जिसके अंदर एक और चीज़ लाई गई है, कंपल्सरी टीचिंग ऑफ द भगवद गीता इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इट्स अ वेरी बिग न्यूज़, वेरी बिग न्यूज़। देखो एक मिनट, जो भगवद गीता है वो है भाई हिंदुओं की, है ना, हिंदू रिलीजियस की, और हिंदू रिलीजियस को बोला गया है कि भाई जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे आप इसको कंपल्सरी करें, राइट, एजुकेशनल। इसका मतलब हमारा जो वर्ड है सेक्युलरिज्म, उसका तो जो मोटो है वो ख़त्म हो जाएगा, येस और नॉट?
वेरी गुड शिवान, वेरी गुड विशाल. एक व्यक्ति इंडिविजुअल, मैं मेंबर नहीं कह रही, एक व्यक्ति मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन विद इन 6 मंथ उसे किसी भी हाउस का मेंबर जो है वो बनना पड़ेगा. अगर वो मिनिस्टर लोकसभा में है तो अगर वो राज्यसभा का मेंबर बनता है तो चलेगा, अगर वो राज्यसभा का मिनिस्टर है तो वो लोकसभा का मेंबर बनता है तो भी चलेगा, लेकिन विद इन 6 मंथ आपको मेंबर बनना पड़ेगा. और अगर नहीं बनते हो तो आप सब कुछ से हाथ यहाँ पे धो जाओगे, राइट? वो वाली चीज है. हाँ, वेरी गुड शिवानी. अब ये जो बिल है वो कितना ज्यादा, मतलब एवं ही है कि यहाँ पे सिक्योलरिज्म कितना ज्यादा हार्म हो जाएगा. वेयर वी आर नॉट होल्डिंग एनी रिलीजन एज अ सुपीरियर, हम किसी भी रिलीजन को सुपीरियर नहीं मान रहे हैं. और प्राइवेट मेंबर बिल ये कह रहे हैं कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप भगवत पढ़ाएंगे तो हिंदू हिंदू जो रिलीजन है वो सुपीरियर हो जाएगा. अब यहाँ पे आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. अब आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि ये जो वर्ड है विच वी अडॉप्टेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये हमने अडॉप्ट किया है ओरिजिनली? डिड वी अडॉप्ट दिस वर्ड ओरिजिनली इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन और इट वॉज एडेड वाया द अमेंडमेंट? आपको इतना बताना है, ठीक है? कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आने वाली है कि आप भगवत गीता को आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाइए, ठीक है? एक चीज़ ये थी, अगर वो स्कूल गवर्नमेंट एडेड है, अगर वो स्कूल गवर्नमेंट है, डेफिनेटली वहाँ पे भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाएगी. क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ मदद गवर्नमेंट से मिल रही है, तो गवर्नमेंट अगर उस स्कूल में कोई भी हिंदू को फेवर करती है तो सिक्योलरिज्म ख़त्म हो जाएगा. लेकिन अगर स्कूल प्राइवेट है या किसी संस्था ने बनाया है और अगर उस संस्था में ये पढ़ाई जा रही है तो चलेगा, जैसे मदरसा की बात है, ठीक है? बट मदरसा में भी कुछ चेंजेस आए थे, वो हम थोड़ा देखेंगे बाद में, ठीक है? एडिड बाय, चलो वेरी गुड. एक अपना ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, एक अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, दैट इज़ अ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है? उसके तहत हमने ये कहा था भाई हम तो धर्म निरपेक्ष भी रहेंगे, हम धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है? निरपेक्ष जो है वो हमने यहाँ पे रहेंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो चीज़ आपको होना करना पड़ेगा. फाइन, आज एक बार आर्टिकल 25 से 28 सारे जो आप लोगों ने पढ़ लेने. अब दो तरीके के बिल होते हैं, देयर इज़ अ प्राइवेट बिल और देयर इज़ अ गवर्नमेंट बिल. चलो एक क्वेश्चन माइंड में आता है, अब मुझे ये बताओ पहले, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, कैन इट इंट्रोड्यूस्ड बाय अ प्राइवेट मेंबर, ठीक है? जो संविधानिक संशोधन बिल होता है, क्या इसको एक प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है? इंट्रोड्यूस हो कहीं पे भी करे, डजेंट मैटर, बट क्या वो कर सकता है कि नहीं, वो एक क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने बताना है. दो तरीके के बिल होते हैं, एक होता है प्राइवेट बिल और एक होता है गवर्नमेंट बिल. प्राइवेट बिल वो होता है जब किसी मेंबर के द्वारा किया जाए, बट वो मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो एक प्राइवेट मेंबर होना चाहिए, ठीक है? वाइल बोथ प्राइवेट मेंबर एंड मिनिस्टर टेक पार्ट इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, जब उस पर कानून बनेगा तब आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं, डज नॉट मैटर. लेकिन इंट्रोड्यूस करते समय अगर आप प्राइवेट मेंबर हो तो उसे आप प्राइवेट मेंबर बिल का नाम जो है वो आप दे दोगे. लेकिन अगर वो किसी मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है, किसी मिनिस्टर ने डाला है, सो इट विल बी नॉन एज अ गवर्नमेंट बिल के नाम से उसे जो है वो जान लिया जाएगा, ठीक है? अब सुनिए, while a government bill can be introduced and discussed on any day, but a private bill only can introduce and discuss on the Friday. Important one is, private वाले को सिर्फ Friday दिया जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे आके आप अपना bill introduce कर सकते हो, चाहे आप movie देखे हो उस दिन, चाहे आप यहाँ पे bill launch कर लो, तुम्हारी इच्छा है. Government bill किसी भी दिन आप ऐसा जो है वो bill यहाँ पे ला सकते हो. If everyone is clear, so give me a big thumbs up, guys. Do like, share and subscribe the channel.
एक मिनट, संस्कृत में भगवत गीता पढ़ी है, फिर कैसे हिंदू सुपीरियर हो सकता है? हाँ, मिनिस्टर ओनली, बिल्कुल हिंदू सुपीरियर। अभी आप किसी भी धर्म के हो, बट आप किसी भी धर्म को सुपीरियर नहीं कर सकते। ऑल रिलीजन आर इक्वल, ठीक है, स्पेशली इन द आइज ऑफ लॉ, स्पेशली, ठीक है। और जैसे हम लोग इंडिया की कंट्री में बात करते हैं, देर आर वेरी रिलीजियस कम्युनिटी लिविंग हेयर, सो हम तो फिर किसी को सुपीरियर कह ही नहीं सकते, है ना। रिलीजन के बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकते हो, दैट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग, यू कुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, है ना। चलो, नाउ मनरेगा, एमजी नरेगा सीक्स 25,000 करोड़ मोर, वो पैसे और मांग रहे हैं। पढ़ लेते हैं क्या न्यूज़ है। सेंटर ने 25,000 करोड़ एडिशनल फंडिंग मांगी है एमजी नरेगा स्कीम के लिए, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले भी देखा था, क्योंकि इस स्कीम के अंदर पैसा कम जा रहा है, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो इसके अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनको प्रॉपरली सैलरी नहीं मिल रही है, और 2-4 महीने से उनकी सैलरी में कटआउट आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या बोल रहे हैं, स्कीम एज अ पार्ट ऑफ द सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट सबमिटेड टू पार्लियामेंट ऑन द फ्राइडे। ये एक सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट, जब आप बजट पढ़ते हो तो आप इस चीज़ को पढ़ते हो कि सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होती है। इसमें क्या चीज़ होती है सप्लीमेंट्री ग्रांट, मान लीजिए व्हेन द बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, यू डिमांड द 100 रुपीज़, राइट, फॉर द ईयर। आपने कोई स्कीम डाली बजट के टाइम पर, आपने उस समय पर 100 रुपये की डिमांड की, भाई मुझे 100 रुपये चाहिए। बट ड्यूरिंग एन अ ईयर देयर वॉज अ सम इश्यूज, यू ऑल्सो डिमांड द सम एडिशनल 40 रुपीज़, आपने एडिशनल 40 रुपीज़ और डिमांड कर ली। भाई महंगाई बढ़ गई और खर्चे ज़्यादा हो गए, हमें पता नहीं था, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा लगाने पड़े, तो 40 रुपये और ज़्यादा चाहिए। ये जो आप 40 रुपये का अप्रूवल लेते हो फ्रॉम द पार्लियामेंट, इट विल बी नॉन एज अ सप्लीमेंट्री ग्रांट। गॉट माई पॉइंट? ये बजट के दौरान आप लोग जो है वो पढ़ते हो, जब इकोनॉमिक्स करते हो तब ये वाला सेक्शन पढ़ते हो, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सप्लीमेंट्री डिमांड की बात की जा रही है रूरल जॉब स्कीम के लिए, रन आउट ऑफ इंडिया के जो पूरे उसमें चल रहा है एडिशनल बजट। हाँ, वॉज अमंग द मोस्ट कीनली अवेटेड पेंडिंग पेमेंट फॉर द वेजेस और मटेरियल के लिए, जो पेंडिंग पेमेंट है उसके लिए पैसा जो है वो मांगा जा रहा है, एक्स्ट्रा पैसा। हाँ नहीं, हम थोड़े यूपीएससी वाले ना, थोड़ा उसी स्टाइल में बात करेंगे, है ना, वो वाली चीज है। ओके, रूरल डिस्ट्रेस, कंटिन्यूइंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इन रूरल इंडिया। इससे क्या हो गया कि जो जॉब की डिमांड हो रही, अब देखो लॉकडाउन की वजह से कितने लोग खाली हो गए, कितने लोगों की जॉब जो है वो चली गई, जिसकी वजह से अब वो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, अब क्या बोलते हैं, फर्दर जॉब डिमांड कर रहे हैं, कोई भी एमजी नरेगा में अप्लाई कर रहा है। अब जितनी जॉब की एस्टिमेशन था और आनी आई जो है वो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा आई है, जिसकी वजह से पैसा भी ज़्यादा चाहिएगा, वो वाली चीज़ है। एमजी नरेगा जो स्कीम है वो अनस्किल जो वर्कर्स होते हैं उनको 100 डेज के पे आउट की बात करती है, विद द 4 मंथ रिमेनिंग इन द फाइनेंशियल ईयर। एमजी नरेगा ने स्पेंड कर दिए हैं 73,000 करोड़ पैसा इसके अंदर, और अभी भी पेमेंट जो है वो बाकी है। इट इज़ स्टिल ह्यूजली डेफिशियंट, दिस इज क्लियरली अनदर पैंडेमिक अफेक्टेड ईयर, क्योंकि अनदर पैंडेमिक अफेक्टेड ईयर है, इस वजह से इसके अंदर ज़्यादा डिमांड हो रही है, ज़्यादा लोग इसके अंदर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। हाँ ये सही है, सभ्यता से मांगो, पैसे ले रहे हो तुम यार, कुछ वो थोड़ी कर रहे हो, सभ्यता से मांगो, है ना, अगला दे भी देगा। फर्टिलाइजर सब्सिडी, एडिशनल जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है इंक्लूड 1,000,000,000 फॉर द फॉस्फेटिक एंड द पोटासिक जो सब्सिडी है उसके लिए भी यहाँ पे सब्सिडी मांगी गई है, एंड 15,000 करोड़ टुवर्ड्स द यूरिया सब्सिडी जो स्कीम है उसके अंदर भी डाले गए हैं। फूड मिनिस्टर ने एडिशनल पैसा मांगा है फूड स्टोरेज के लिए और वेयर हाउसिंग स्कीम के लिए। अब सारे कह रहे हैं भाई मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, वो वाली चीज़ है। चलिए, एज मैनी एज 27 स्टेट एंड यूटी यूटिलाइज मोर देन 100% ऑफ फंड एम जी नरेगा में, तो पैसे जो है वो और मांगे जा रहे हैं। इसको अब लीव करते हैं, मैंने आपको ये तकरीबन चीज़ें बता दी। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द CBI एंड ED। CBI होते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये जो चैप्टर है अपना पॉलिटिक्स पॉलिटी वाली बुक में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आज अगर न्यूज़ में आया है तो आधे घंटा से 1 घंटा निकाल के इस चैप्टर को एक बार पढ़ लेना, ठीक है।
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का जो है वो बोला गया है। गवर्नमेंट ने दो बिल इंट्रोड्यूस किए हैं लोकसभा में, जो कि ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर के टेन्योर को एक्सटेंड करने के लिए बात की गई है। यहाँ पे उनका जो टेन्योर है वो 5 साल मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का और जो टेन्योर है वो बढ़ाने की बात की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर द पर्सनल इंटर ट्रेनिंग जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उन्होंने सेंट्रल विजिलेंस बिल 21 इंट्रोड्यूस किया है और साथ में डीपीएससी जो बिल है 21 उससे रिप्लेस किए हैं ऑर्डिनेंस दैट हैज़ बीन ब्रॉट इन द रिसेस पीरियड, जो बीच का टाइम होता है ना ड्यूरिंग द मानसून इन द विंटर, उस टाइम पे दो कुछ ऑर्डिनेंस लेकर आए गए थे। तो चलो एक मिनट हम पहले कुछ बात कर लेते हैं। देखो मानसून और विंटर के बीच में जो समय था दैट वॉज नॉन एज अ रिसेस पीरियड, ठीक है। एट द रिसेस पीरियड इफ द सिचुएशन इज क्रिएटेड, ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो जो प्रेजिडेंट है इन द कंट्री और जो गवर्नर है इन द स्टेट वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ऑर्डिनेंस को अध्यादेश बोलते हैं हिंदी में। ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं जब दोनों हाउस ना हो तब, ठीक है। जब एक हाउस भी नहीं हो तब भी उनका ऑर्डिनेंस लग सकता है। उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ऑर्डिनेंस की उतनी ही वैल्यू होगी जितनी एक लॉ की वैल्यू होती है। लेकिन जब दोनों हाउस आ जाएंगे, व्हेन द दोनों हाउस इज इन एक्टिव हो जाएंगे, उस ऑर्डिनेंस को विद इन अ मंथ आपको पास कराना होगा बाय द बोथ हाउसेस, ठीक है। अब अगर दोनों हाउस उस चीज़ को पास कर देते हैं, व्हेन बोथ हाउसेस पास दिस ऑर्डिनेंस एज अ लॉ, तो अब वो ऑर्डिनेंस नहीं रहेगा, वो कानून बन जाएगा और वो लागू होके मतलब इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो जाएगा, राइट। अगर वो पास नहीं करते हैं, इफ़ नॉट, तो वो ऑर्डिनेंस खारिज हो जाएगा, ठीक है। इफ़ दे आर नॉट गिविंग एनी मतलब कोई भी उस पर एक्टिविटी नहीं करते उस ऑर्डिनेंस पे, तो वो कंटिन्यू रहेगा। ये भी चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी, ओके। जो पर्सनल मिनिस्टर है उन्होंने दो बिल अप्लाई करे हैं, दो बिल इंट्रोड्यूस करे हैं जो कि इन सारे ऑर्डिनेंस को भी रिप्लेस यहाँ पे कर देता है, फाइन। आप करंट अफेयर करते हो, स्टैटिक आपके माइंड में चलना चाहिए तभी जाके काम बनेगा, वरना नहीं। दे स्टेटिंग दैट इट कम्प्लीटली डिसरिगार्डेड द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन। अपोजिशन के मेंबर ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के खिलाफ है ये बिल इस वाले टॉपिक पे, और उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को डिसरिगार्ड करता है, दैट वर क्लियर इन द व्यू दैट एक्सटेंशन ऑफ द टेन्योर सुपर एन्यूटेड ऑफिस शुड ओनली बी डन इन रेयर केसेस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने जो ये बड़े बड़े पद की आपने बात की है, सुपर एन्यूटेड ऑफिशियल्स की बात की है, इनका जो टेन्योर एक्सटेंड आप कर रहे हो बहुत रेयर केसेज में आप करिए। इस तरीके का जो मूव किया गया है, फिलहाल कोई रेयर केस नहीं है, राइट, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर का एक्सटेंशन कर रहे हो, तो इट कुड बी अ मैलाफाइट जैसी चीजें जो है वो यहाँ पे हो सकती हैं, फाइन, ओके, वो थोड़ा चेक कर लेना। अब मुझे ये बताओ, जो सीबीआई के डायरेक्टर होते हैं, क्या वो फुल्ली ऐसे होते हैं कि लाइक अपने आप डिसीजन लेंगे, या फिर किसी भी पर्टिकुलर कमेटी से उन्हें कंसल्ट करना होता है, या गवर्नमेंट बैक्ड होती है ये कमेटी, बताओ, वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, फाइन। इन्होंने ये कहा है कि ईडी और सीबीआई वर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू हेरास द अपोजिशन लीडर। यहाँ पे बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा सीबीआई और ईडी इस्तेमाल की जा रही है ताकि अपोजिशन लीडर को हेरास किया जाए। दे सेड पीसीएमएल एक्सटेंशन वुड लीड टू ऑफिसर्स की लॉयल्टी जो है वो गवर्नमेंट को शो करेगी। जितेंद्र सिंह जी ने कहा है कि दैट बिल वर ब्रॉट इज अर्लियर लॉज नेवर पुट एनी लिमिट ऑन द टेन्योर्स, कि जो बिल लाए हैं वो अर्लियर लॉज में लाए गए हैं, ये इनके टेन्योर पे कोई लिमिट नहीं करेंगे, बट वी आर लिमिटिंग इट टू द 5 years, वो 5 साल मैक्सिमम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, फाइन। इंडिविजुअल है जो ये वो आते हैं ना सीबीआई है, सीबीआई का जो काम होता है वो गवर्नमेंट बैक नहीं होता, अगर गवर्नमेंट बैक हो गया तो उनका काम बहुत ही प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा, पॉलिटिक्स उसके अंदर शामिल हो जाएगी, इन पेपर वर्क ओनली, सिर्फ पेपर वर्क में। आई होप यू गॉट मी व्हाट आई वांट टू से।
नेक्स्ट आ रहा है भाई साइक्लोन जवाद टू ब्रिंग हैवी रेन टू ओडिशा, आना ही है. नॉर्थ ईस्ट जो मानसून रहता है एट दैट मोमेंट, जो हवाएं हैं वो वापस जा रही हैं अपने घर, जिसके समय बे ऑफ बंगाल में काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरीके से हाई प्रेशर आपको लो प्रेशर जो है वो जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को क्या मिलता है वहाँ पे साइक्लोन जैसी कंडीशन भी बन सकती है. फाइन. और अभी ओडिशा में, बंगाल में और आंध्र प्रदेश में देखा आंध्र में देखा गया है कि वहाँ पे ये साइक्लोन आया है. पीपल आर बीइंग इवैक्यूएटेड टू द शेल्टर्स में यहाँ पे भेज दिए गए हैं. एक मिनट. साइक्लोन जवाद हैज फॉर्म ड्यूरिंग द बे ऑफ बंगाल ऑन फ्राइडे और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पैराद्वीप ओडिशा कोस्ट तक भी ये जो है वो पहुंच जाएगा. एएमडी का कहना है साइक्लोन ब्रीफली गेन इन स्ट्रेंथ एंड एक सीवर सिटी को एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है. जवाद करंटली लाइज अबाउट 650 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पैराद्वीप से इतना ज़्यादा दूर है. साइक्लोन इज एक्सपेक्टेड टू बी मच लेस इंस्टेंस देन द रिसेंट वन सच एज तितली. अब वो कह रहे हैं कि जो तितली आया था उससे कम खतरनाक है, ज़्यादा इतनी वो वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसके लिए जो है काम करना होगा. हाँ जी, साइक्लोन जो जवाद आया है वो बे ऑफ बंगाल में ही है, पैराद्वीप पहुंच सकता है. वहां से करीबन 90 किलोमीटर पर आर की इतनी इसकी स्पीड है और इतने में वो टच कर सकता है, क्योंकि ओडिशा में भी काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन हो रही है. ये एक इसकी कंडीशन भी बताती है, अगर किसी जगह पे साइक्लोन आ रहा है तो कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. उस जगह में बहुत हाई लेवल की बारिश होनी चाहिए, ठीक है. पहली इंपॉर्टेंट चीज़ की जो बारिश है वो ज़्यादा होगी. अब मुझे ये बताओ, जहाँ पर साइक्लोन आ रहा है, मान लो यहाँ आ रहा है, देखो यहाँ आ रहा है, यहाँ पे ओरिजिनेट ऐसे कर रहा है, तो जो यहाँ टेम्परेचर है यहाँ वाले सेक्शन में जो टेम्परेचर है वो वार्म होगा कि कोल्ड होगा? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वो वार्म होगा कि कोल्ड होगा, जल्दी बताओ. इसके साथ सीवरेज साइक्लोनिक स्टॉर्म ये बन सकता है, फिलहाल तो नहीं है बट ये बन सकता है. ये पैराद्वीप से करीबन इतनी देर दूर है और जो अभी आए थे जैसे तितली आए थे और फेलिन फोनी हदुद, उससे कम इंटेंस आप लोगों को देखने को ये मिल जाएगा. अब दो तरीके के साइक्लोन होते हैं भाई, थोड़ा हम लोग जीएस में जाते हैं तो वी नो दैट देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द साइक्लोन. वन ऑफ देम इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन विच कम नियर टू द इक्वेटर के आसपास आएंगे, ऊपर नीचे इक्वेटर पर नहीं, ड्यू टू नॉट प्रेजेंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, ठीक है. एक ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो होते हैं ट्रॉपिकल वाली लेयर से ऊपर होंगे, विच इज ऑल्सो नोन एज अ टेम्परेट साइक्लोन या मिडल लेटिट्यूड या फ्रंटल या वेव साइक्लोन के नाम से भी अपने जो है वो जानते हो. वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रॉपिकल साइक्लोन इस्तेमाल किया था जहाँ पे विंड एक्सीड करती है उसकी गेल फोर्स को. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे विंड एक्सीड करती है गेल फोर्स को उस जगह पे आने वाले साइक्लोन आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाए जाएंगे. मिनिमम स्पीड 63 किलोमीटर पर आर आप लोगों को दिखनी चाहिए, ठीक है. दिल्ली में विंटर है और साउथ में साइक्लोन आ रहे हैं, तभी तो रिट्रीटिंग बोल रहे हैं आप इसे. हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, वेरी गुड, वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड, ठीक है. एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर इन टेम्परेट जोन एंड हाई एल्टीट्यूड रीजन में होते हैं एंड नॉन टू ओरिजिनेट इन द पोलर रीजन. अच्छा, आप मुझे ये बता दीजिए कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ज़्यादा कौन से आते हैं, कौन से तरीके के साइक्लोन ज़्यादा आपको मिलते हैं? अरे मलिक जी, वॉर्म आई थिंक क्यों लगा दिया, हाँ वॉर्म ही तो होगा, गर्म हवा होगी तभी तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो बादल बनेंगे, बारिश आएगी. अब जो हैवी रेन आ रही है ठंडी हवा से तो आने से रही बारिश, गर्म से ही आएगी तो वॉर्म है. फाइन, चलिए. साइक्लोन की विपरीत दिशा को ही आप लोग, साइक्लोन अगर ऐसे आता है तो इसकी विपरीत आने वाली चीज को ही आप लोग एंटी साइक्लोन बोलते हो, यानी कि आउटवर्ड स्पाइरलिंग एयर सर्कुलेशन अराउंड ए हाई प्रेशर सेंटर. हाई प्रेशर या लो टेम्परेचर होने का रिवर्स में जब ऐसा चलता है सो इट विल बी नॉन एज ए एंटी साइक्लोन वाली कंडीशन आपको मिल जाएगी.
जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है अपना ठंड वाले इलाके में, वहां पे आपको एंटी साइक्लोन मिल जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो विंड होती है वो क्लॉकवाइज रोटेट करती है, उसकी वजह से ऐसा जो है वो होता है, राइट। अब साइक्लोन को आप हर जगह अलग अलग नाम से जानते हो, अगर आप इंडियन ओशन में है सो इट विल बी नॉन एज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, और अगर आप लोग इधर है अटलांटिक में तो इट विल बी नॉन एज अ हरिकेन्स, पैसिफिक में हरिकेन्स, और ऑस्ट्रेलिया के पास वाली जगह पे आप इसे विली विली के नाम से जो है वो जानते हैं। फाइन, अब देखो इम्पोर्टेंट चीज, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। शिवानी जी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल ज्यादा आते हैं अंकल, तो बोल गए हो। गुड आफ्टरनून राजवीर। देखिए भाई, साइक्लोन अगर मान लीजिए यहाँ पे, एक तो विंड बहुत तेज होनी चाहिए, दूसरी चीज अगर साइक्लोन इस तरीके से आएंगे तो जो मैंने आई बनाई है, वेयर आई एम स्टार्टेड, इट इज नॉन एज आई ऑफ द साइक्लोन, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो लो टेम्प वो हाई टेम्परेचर होगा, और आइडियल टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। इतने टेम्परेचर पे हवा जो है वो ऊपर उठेगी, क्लाउड्स बनेंगे, हैवी रेन, काले बादल हो जाएंगे, और इसके आसपास वाले जो क्षेत्र में जहां पे भी बारिश गिरेगी वहां पे अच्छी खासी रेनफॉल आप लोगों को मिल जाएगी। अगर अगर 27 इसके सेंटर में है टेम्परेचर, तो इसके पीछे वाले क्षेत्र में यहाँ पे जो ये चक्र बन रहा है यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होगा, ठंडा होगा मतलब 22 के अराउंड होगा, ठीक है, कम होगा। क्वेश्चन आया था कि आई ऑफ द साइक्लोन में टेम्परेचर जितना होता है उसे 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है इसके सराउंडिंग एरिया में, गलत है वो लाइन, कम होता है, कम होगा, तभी तो यहाँ पे विंड नहीं उठ पा रही है, जितना घेराव में आता जाएगा उतना ज्यादा ये गर्म होता जाएगा, ठीक है। कुछ कंडीशन होती है साइक्लोन की पता लगने की, कि भाई आना है कि नहीं आना है, हैवी साइक्लोन, हैवी रेन, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, ब्लैक क्लाउड्स, काले घने बादल हो जाएंगे, मौसम बिल्कुल ऐसे हो जाएगा नमी वाला, और 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आपको ये वाली चीज़ जो है वो देखनी चाहिए, और विंड्स जो है वो सुपर होनी चाहिए, बढ़िया चले, ठीक है, वो वाली चीज़ है। हाँ 11 AM ही होगी भाई, डेली आज आज है। नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर द एनवायरमेंट सेक्शन के लिए, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपने सामने है। शटरबग लीड्स टू प्रेटी फाइंड इन सिक्किम, एक ही बटरफ्लाई की स्पीसीज है जो कि अभी हमें सिक्किम में मिली है। ओके शिवाना, लेट्स सी, देखिए दिस इज योर इक्वेटर, दिस इज योर कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड दिस इज द अपर वन टेम्परेट वाली लेयर, ठीक है। इस क्षेत्र में जो भी साइक्लोन आएंगे इट विल बी नॉन एज ए ट्रॉपिकल बिकॉज दे आर लोकेटेड इन अ ट्रॉपिकल रीजन, इस क्षेत्र में जो भी साइक्लोन आएंगे दीज विल बी नॉन एज अ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल से बढ़ के हुए ना, और ऑल्सो नॉन एज टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन, ऑल्सो नॉन एज वेव साइक्लोन, ऑल्सो नॉन एज हायर लेटिट्यूड साइक्लोन, ये नाम इसके हैं। और मैंने ये बोला कि ये वाले ज्यादा नंबरिंग में होते हैं, क्योंकि देखो एक तो सन की रेज प्रॉपर मिल रही है, टेम्परेचर अच्छा खासा हो जाएगा, राइट, एक यहाँ पे विंड्स अच्छी चल रही है, यहाँ पे क्रियोलिस फोर्स उतनी है जितनी हमें चाहिए, तो विंड प्रॉपरली सर्कुलेट कर पा रही है, रेनफॉल आपको यहाँ पे अच्छी खासी मिल जाएगी, टेम्परेचर है तो प्रॉपरली हवा उठेगी, बादल बनेंगे, बारिश आराम से हो जाएगी, कंडीशन फुलफिल करता है। बट क्योंकि आप इस रीजन में हो, यूरोप वगैरह के पास हो, तो यहाँ पे ठंड बढ़ जाएगी, कोल्ड हो जाएगा, तो फिर टेम्परेचर नहीं होगा, तो उतनी ज्यादा रेनफॉल नहीं होगी, तो कंपैरेटिवली साइक्लोन कम आते हैं, ठीक है। चलो चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर, इसका जो बॉर्डर है बटरफ्लाई का वो चॉकलेट बॉर्डर है, न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज मिली है आपको, सोनम वांगचुक लेप्चा फ्रॉम सिक्किम से, उन्होंने वॉच किया बटरफ्लाई को, पिक्चर्स उसकी ले ली, वॉज नॉट टेकन वेरी सीरियसली बाय द पीपल अराउंड हिम, ठीक है। तो इसमें जो चीजें हैं काम की वो हम पढ़ लेते हैं।
न्यू स्पीसीज है ये बटरफ्लाई की, इसका नाम देखो क्या लिखा गया है, नाम देखो क्या लिखा गया है, चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर। ऑल्सो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, जोग्राफीटस, प्लीज बी रिमेम्बर जोग्राफीटस जोंग जीनियस, मत करना भाई, रहने देना, नॉर्थ सिक्किम में मिली है और इसकी फिजिकल अपीयरेंस कुछ ऐसी है, राइट। गोल्डन येलो बटरफ्लाई है, ब्राउन बॉर्डर है, स्पॉट्स आपको मिल जाएंगे। इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है दूसरों से सारी बिल्कुल अलग है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मेल्स ऑल्सो डिफर स्लाइटली, इसका जो मेल जो है ना वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर और भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। एंड बटरफ्लाई ऑफ इंडिया, उसको किस तरीके से मैंशन किया गया है, बटरफ्लाइज ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ऐसे तरह के लोकेट मतलब मैंशन किया गया है, जो कि मेनटेन किया जा रहा है नेशनल सेंटर फॉर द बायोलॉजिकल साइंस के द्वारा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, FL2027 वेराइटी ऑफ पोटैटोज। पेप्सिको इंडिया के 2 साल के बाद, 2 ईयर्स आफ्टर पेप्सिको इंडिया प्रोवोक किया है आउटरेज बाय सुइंग 9 गुजराती फार्मर्स को, क्योंकि उन्होंने पोटैटोज की ग्रोथ पे वेराइटी को पेटेंट करा लिया, इन्फ्रिंजिंग पेटेंट राइट बाय ग्रोइंग इट्स रजिस्टर्ड पोटैटो वेराइटी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑफ द वेराइटी हैज बीन रिवोक बाय द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स अथॉरिटी। कंपनी रजिस्ट्रेशन हैज बीन रिवोक्ड, यहाँ पे रिवोक जो है वो हो गया है। देखो एक मिनट, फ्रीडम इन इंडिया, एक से एक चीज, एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि आप किसी सीड को या प्लांट की वैरायटी को पेटेंट करा सकते हो कि नहीं, ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, क्या पूछ रहे हो मलिक, आई डोंट अंडरस्टैंड यू, बताओ क्या कह रहे हो। ओके, पेप्स आई थिंक ये न्यूज मैंने प्रॉपरली नहीं पढ़ी है, लेकिन कंपनी ने रजिस्टर्ड कराया है बट अभी वो रिवोक कर दी गई है, तो ये फार्मर्स के लिए जो ये न्यूज है वो काफी अच्छी हो जाएगी, हिस्ट्रिक विक्ट्री है फॉर द फार्मर्स ऑफ इंडिया। ये प्रिवेंट करेगी किसी भी सीड को या फूड कॉरपोरेशन को फ्रॉम ट्रांसग्रेसिंग लीगली ग्रांटेड फार्मर्सी फ्रीडम इन इंडिया के लिए जो है वो चीज़ अलाउ करेगी। PPVFRA क्वेश्चन क्या है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस बाय एफसीको क्लेम करता है इट वाज द ओनर ऑफ द वेराइटी एंड दस कुड बी कंसीडर द रजिस्टर्ड ब्रीडर अंडर द लॉ। अच्छा, पेप्सिको क्लेम करता है कि क्योंकि जो वो वेराइटी है ना पोटैटो की उसके वो ऑनर है, तो वो उसको लॉ के हिसाब से वो रजिस्टर्ड ब्रीडर हो सकते हैं, वो अपने को पेटेंट करा सकते हैं। बट सेवरल फार्मर्स हैव बीन पुट टू हार्डशिप इंक्लूडिंग द लूमिंग पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग टू पे ह्यूज पेनल्टी ऑन द इन्फ्रिंजमेंट दे सपोज टू हैव बीन कमिटिंग, दिस वायलेट करता है पब्लिक इंटरेस्ट को। और ये जो वेराइटी है पोटैटोज को लेस पोटैटो चिप्स में जो इस्तेमाल होती है, ये अप्रैल 2019 में शामिल हुई थी, लाइमलाइट हुई थी, एंड व्हेन इट बिकेम द सेंट्री सेंटर पीस फॉर द फाइट इन पोटैटो बेल्ट ऑफ नॉर्दर्न गुजरात। ठीक है, यहाँ पे गुजरात के अंदर 12,000 जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो पोटैटो ग्रो करते हैं, जिसपे कंपनी ने उनसे एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट लिया है टू सेल सीड एंड बाय बैक देयर प्रोड्यूस। ठीक है, फुल जो केस है ना वो किसी ऐसे सेपरेट न्यूज़ में करेंगे, एक्चुअली मैंने प्रॉपर न्यूज़ नहीं पढ़ पाई मैं ये। फाइन, नेक्स्ट आता है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा के अंदर सेवरल ट्राइबल जो आउटफिट है वो दिखे हमें, हैव जॉइंड हैंड्स टू पुश देयर डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट। यहाँ पे दे डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट, जो उनकी इंडिजीनियस कम्युनिटी है उनके लिए सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए दे डिमांड द सेवरल स्टेट, उन्होंने एक अलग से स्टेट की डिमांड जो है वो की है। Among the political parties that have come together for the cause are the Tipra Motha and IPFT जो है, अब वो यहाँ पे इलेक्ट्रल फ्रेम में आपको दिख रहे हैं सामने, पार्टी डिमांड करी एक सेपरेट स्टेट जिसका नाम रहेगा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ के लिए रहेगी।
ये वॉन्ट दे वॉन्ट द सेंटर टू कार्व आउट द सेपरेट स्टेट अंडर द आर्टिकल 2 एंड 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कमेंट में आपको बताना है आर्टिकल 2 और 3 क्या कहता है संविधान का. 1905 जो स्केड्यूल ट्राइब है त्रिपुरा में, जैसे कि त्रिपुरीज हैं विच इज़ ऑल्सो नॉन एज अ तिपरा इन द तिपरासास, ये लार्जेस्ट है. 2011 सेंसस के हिसाब से यहाँ पे 5.92 लाख त्रिपुरीज आप लोगों को मिल जाएंगे, रियांग उसके बाद मिलते हैं. तो इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें अपना अलग से स्टेट बनाना है जिसको हम लोग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के नाम से जानेंगे. ठीक है, किस तरीके से डिमांड ओरिजिनेट हुई है. त्रिपुरा एक किंगडम रहा है जो कि मानिका डिनेस्टी के द्वारा रूल किया गया था 13th सेंचुरी में, जब तक कि IOA साइन नहीं हुआ था. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक्सेशन का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलर जगह पे अधिकार अपना जो है वो जमा लो. जब तक IOA साइन नहीं हुआ था तब तक त्रिपुरा मानिक्या डिनेस्टी के द्वारा रूल था. ठीक है, दे डिमांड मेनली स्टेम फ्रॉम द एंजाइटी ऑफ द इंडिजीनियस कम्युनिटी इन कनेक्शन विद द चेंज इन डेमोग्राफिक ऑफ द स्टेट. IOA में डिमांड किया गया था कि जितनी भी इंडिजीनियस कम्युनिटी है वो भी हमारे स्टेट के अंदर शामिल हो जाए. ठीक है, और फिर हम माइनॉरिटी वाले लोगों को कम कर देंगे, जो कम हो जाएगी, दिक्कत नहीं रहेगी, फाइन. लेकिन नाउ नाउ जो इंडिजीनियस कम्युनिटी हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, 5.92 लाख है हाईएस्ट. तो वो कह रहे हैं भाई हम तो अपना अलग ही लेके मानेंगे और उसका नाम देंगे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड. ठीक है, एंड व्हाट अवर कॉन्स्टिट्यूशन डे से, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, आर्टिकल 2 कहता है कि भाई पार्लियामेंट चाहे कानून की सहायता से किसी भी स्टेट को एडमिट कर सकती है, किसी भी नए स्टेट को एस्टैब्लिश कर सकती है. ठीक है, ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज ए थिंक फिट. ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि या तो भाई नए स्टेट को आप अपने में शामिल कर लो या कोई नया बना दो. है जैसे भाई आपने तेलंगाना को नया बना दिया, है कि नहीं, तो आर्टिकल 2 में है और ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट नहीं कर सकता. ये लाइन है थोड़ा भाई आपको याद करनी जरूरी पड़ेगी, यहीं से आपका स्टैटिक पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा. आर्टिकल 3 ये कहता है कि नया स्टेट बनाना हो या फिर बाउंड्रीज को अल्टर करना हो एग्जिस्टिंग स्टेट की, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, हाँ जी, फॉर्म करना हो या बाउंड्री वगैरह करनी हो वो पार्लियामेंट के अख्तियार में है, तो पार्लियामेंट से जाके अपील कीजिए. एनी वन हैव एनी डाउट गाइज, वेरी गुड संतोष, एनी वन हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. पाइका रिबेलियन ऑफ द ओडिशा, 1817 में पाइका रिबेलियन आपको पता है उस समय पे था. पाइका रिबेलियन ऑफ ओडिशा कुड नॉट बी कॉल्ड एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हम लोग इंडिपेंडेंस की पहली वॉर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम यहाँ पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक अच्छी शुरुआत जो है वो उसको जरूर यहाँ पे बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये आप यूनियन कल्चर मिनिस्टर ने इस बारे में बोला है. कल्चर मिनिस्टर ने ओडिशा के सीएम से रेफर लेते हुए कहा है कि भाई पाइका रिबेलियन कुड बी डिक्लेयर्ड एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन कह सकते हो फर्स्ट वॉर, बट एग्जैक्टली ब्रिटिशर्स के खिलाफ शुरुआत अच्छी शुरुआत थी बट पहली नहीं कहेंगे आप उसे. ठीक है, ये यूनियन मिनिस्टर ने बोला है. ए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट कैन बी सेड पाइका विद्रोह जो कि मार्च 1817 में हुआ और 1825 तक चला, ये एक अच्छा एग्जाम्पल आपको जो है वो मिल जाएगा. बाकी क्लास की 8 NCERT में प्रॉपरली यू गॉट इट. नेक्स्ट आ रहा है स्मार्ट सिटी मिशन. डेडलाइन है कि जो स्मार्ट सिटी मिशन है जहां हम लोग 100 सिटी को स्मार्ट सिटी बना देंगे, और टारगेट क्या कब तक है हमारा, जून 2023 तक का, लेकिन कोविड की वजह से वहां पे डिले हो गया है. एंड इट वॉज बेस्ड ऑन अ नीति आयोग रिकमेंडेशन, यहाँ पे बोला गया है कि भाई अभी तक हम 100 स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए हैं, इसके पीछे का एक मुख्य कारण क्या है, कोविड है. मिनिस्ट्री ने लोकसभा को इन्फॉर्म किया और कहा है कि जो स्मार्ट सिटी इम्प्लीमेंट करने का जो पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दीजिए टू जून 2023 तक का, क्योंकि हमने 2015 में अनाउंस किया था और बोला था कि 2016 से मतलब
18 तक की कुछ बात की थी, बट उसको अभी आप लोग एक्सटेंड कर दो जो 2023 तक। हमारी कोई गलती नहीं, कोविड ने आके काम खराब कर दिया, वरना हम तो लगन से लगे हुए थे। ठीक है, तो ये मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। जाइकोव डी वैक्सीन के बारे में बात करी तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 7 स्टेट को आइडेंटिफाई किया है जो कि हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे 3 डोज जो है वो यहां पे दे दी जाएगी इनिशियली। तीसरी डोज का नाम क्या है? जाइकोव डी। ठीक है, 7 स्टेट कौन से हैं भाई? बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, यूपी एंड वेस्ट बंगाल, ये आइडेंटिफाई किए गए हैं। हु हैज़ नॉट रिसीव द फर्स्ट डोज फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ जाइकोव डी, वहाँ पे ऐसे हाई नंबर है जिन्होंने पहली डोज को भी रिसीव नहीं किया है। अच्छा, कल परसों मैंने एक चीज़ पूछी थी कि डोज लगवाना मैंडेटरी है कि वॉलेंट्री है, तो डेफिनेटली इट्स वॉलेंट्री। बट केरला में एक स्टेप लिया गया है कि जिन लोगों ने कोविड की डोज ना लगवाई है, स्पेशली एक या दो, एक भी नहीं लगवाई है, उन लोगों को जो ट्रीटमेंट है वो हम कोविड ट्रीटमेंट है वो फ्री में नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी मदद नहीं की तो हम तुम्हारी क्यों करें, वो वाली जो रणनीति है वो वहां पे अपनाई जा रही है। ठीक है, नेशनल जो ट्रेनिंग है एडमिनिस्ट्रेशन जाइकोव डी की वो यहाँ पे पूरी हो चुकी है, कुछ ऐसे स्टेट को सेलेक्ट किया गया है ताकि सेशन वगैरह यहाँ पे प्लान किए जा सके। बाकी जितने भी एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं फर्स्ट डोज जो कवर है उनको ये दी दी जाएगी, और हर घर दस्तक वाली स्कीम को भी आगे करेंगे। दीज वर द न्यूज गाइज, आई होप कि न्यूज सबको क्लियर हो गई होंगी। एक जो न्यूज पेप्सिको वाली है वो मुझे नहीं लगता क्लियर हुई होगी, उसको मैं किसी वैसे जो है वो रेंडमली देख लेंगे। फाइन, हाँ, टिट फॉर टेट वाली बात है, गिव एंड टेक रूल वाली चीज़ है। वैसे बात भी सही है कि अगर आप लोग फर्स्ट डोज नहीं लगवा रहे हो तो वाई यू आर एक्सपेक्टिंग कि लाइक हम तुम्हारा ट्रीटमेंट कर देंगे, है कि नहीं? सही है, लगवाइए भाई, डोज लगवाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली टीचर्स के लिए भी वहाँ पे एक चीज़ लाई गई थी कि दैट टीचर्स हैव ऑल्सो टेक, अगर अगर आपने नहीं लगवाई है देर मस्ट बी स्पेसिफिक रीज़न। ठीक है, कोई ना कोई स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए और प्रूफ भी होना चाहिए, अदालत प्रूफ मांगती है। ठीक है, सो प्रूफ क्या है कि गवर्नमेंट डॉक्टर की कोई वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं जो हॉस्पिटल से मिलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा वो वर्ड क्या होता है, वो आप बनवा के लेकर आइए, प्रॉपरली उनके सिग्नेचर हो तब हम मान लेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलिए, सो ये थी भाई आप लोगों की आज की न्यूज, 4th of December की न्यूज। ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन द एडिटोरियल, वर्किंग ऑन दैट, और जैसे ही होता है देन डेफिनेटली आई विल स्टार्ट दैट एज वेल, राइट, इसी क्लास में आपका वो भी चीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। एंड क्वेश्चन का जो सेशन है वो आपको इवनिंग में मिल जाएगा 7 PM। ओके, चलिए, तब तक के लिए प्रेस्क्रिप्शन नहीं, आप उनका अरे स्कूलों में भी तो पेश करते थे हम लोग। चलिए, कुछ बोलते थे क्या, याद नहीं आ रहा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए आप अपने चैनल को, दैट इज़ अ स्टडी IAS, एंड हिट करिए बेल आइकन। ठीक है, बेल आइकन टू गेट एवरी रीसेंट अपडेट अबाउट द चैनल। थैंक यू सो मच, जितने भी क्वेश्चन है प्लीज़।